से जो कीचड़ वगैरह होता है उसमें पिछले टायर अगर फंस जाते हैं तो ये हम बायर डिफरेंशियल लॉक का यूज करते हैं, तो इससे हमारे ट्रैक्टर का जो स्पीड होता है रियर टायरों का वो एक साथ लगता है और ट्रैक्टर जो है आपका बाहर आ जाता है। वैसे ही साथ में इसमें जो बड़े ट्रैक्टरों में RPM होते हैं, जैसे हर ट्रैक्टर में 540 RPM होता है जो कि स्टैंडर्ड होता है, बट इसमें आपको 540 PTO के RPM मिलेंगे और 1000 RPM भी मिलेंगे। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट और आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आपने हिंदुस्तान के अंदर मिनी ट्रैक्टर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज आपके लिए एक ऐसा मिनी ट्रैक्टर लेकर आया हूँ जिसका जो भारत की पहली कंपनी है मिनी ट्रैक्टर। आपने मिनी ट्रैक्टर आमतौर पर देखे होंगे दूसरे, लेकिन ये ट्रैक्टर जैसे कि हाइड्रोलिक वाला है, 4x4 वाला, तो आप पहली बार देखेंगे। इन ट्रैक्टरों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। प्रयासों के परिणाम स्वरूप मिनी ट्रैक्टर निरंतर सुधार के दौर से गुजर रहा है। यही कारण है कि 2016 में बाजार में पेश की गई 7th जनरेशन श्रेणी को भारत में तत्काल स्वीकृति मिल गई और इसे एशिया, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीपों के 50 से अधिक देशों में निर्यात किया जा रहा है। जी, मेरा नाम आशीष पाठक है और मैं पिछले 3 साल से कैप्टन ट्रैक्टर में जॉब कर रहा हूँ और मेरा जो पोजीशन है वो टेरिटरी एग्जीक्यूटिव है और MP देखता हूँ। तो हम लोग भारत की पहली मिनी ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी हैं, जो कि सारी कंपनियां थी, बट सबसे पहले जो मिनी ट्रैक्टर बनाया वो कैप्टन ट्रैक्टर कंपनी ने बनाया। ये मिनी ट्रैक्टर बनाने के साथ साथ 50 से भी ज़्यादा मिनी ट्रैक्टर के मैचिंग इम्प्लीमेंट बनाती है, जैसे कल्टीवेटर हुआ, रोटावेटर हुआ, सीड ड्रिल हुआ, टैंकर हुआ, ट्रॉली हुआ, लोजर हुआ, डोजर हुआ, ये सारी चीज़ जो है वो कैप्टन ट्रैक्टर कंपनी मिनी ट्रैक्टर का ही बनाती है। यानी कि किसान भाइयों को ट्रैक्टर के साथ अगर उनको इक्विपमेंट भी चाहिए साथ चलाने के लिए, तो संपूर्ण इक्विपमेंट आपके पास मिल जाएंगे। जी जी जी, तो सारी रेंज हमारे पास में अवेलेबल है मिनी ट्रैक्टर की मैचिंग इम्प्लीमेंट। इसके बाद हमारा जो 170 जो हमारे इंडिया में डीलर हैं वो 175 डीलर हैं। इसके साथ में हमारा जो फॉरेन कंट्री में अगर 55 देशों में हमारा विदेशों में बिजनेस है, ठीक है, और 17 इंडिया में जो 17 स्टेट हैं जहाँ पे हमारे कैप्टन ट्रैक्टर का मार्केट है। तो ये हमारी कंपनी के बारे में जानकारी है। और ये जो हमारी कंपनी है वो 20 हॉर्स पावर, 25 हॉर्स पावर और 28 हॉर्स पावर में 2-व्हील ड्राइव और 4-व्हील ड्राइव के ट्रैक्टर बनाती है। तो जैसे जो हमारा सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि 20 HP का जो ट्रैक्टर होता है वो 1 सिलेंडर में आता है और वो जो होता है फील्ड मार्शल का इंजन होता है। इसके बाद में 25 और 28 में जो होते हैं वो 2 सिलेंडर, 25 हॉर्स पावर में 2 सिलेंडर में आता है और सैमसंग इंजन में होता है। इसके बाद में 28 हॉर्स पावर में भी हमारा सैमसंग इंजन 2 सिलेंडर में आता है और एक 3 सिलेंडर जो आप सामने देख रहे हैं ये मिसुबिशी डीजल इंजन में है और ये 4-व्हील ड्राइव है, पावर स्टेयरिंग है, OIB ब्रेक्स हैं। इसमें हमने हाई लो मीडियम गियर भी दिया हुआ है, तो आपको ये 9 फॉरवर्ड गियर मिलेंगे और 3 रिवर्स गियर मिलेंगे। तो इनके बारे में आप जानकारी दीजिए। ये है, ये गियर है, ये हाई लो मीडियम है और ये मैन गियर होता है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। इसमें आपको 9 फॉरवर्ड गियर स्पीड मिलेगी और 3 रिवर्स गियर की स्पीड मिलेगी। प्लस आपको इसमें एक बहुत ही अच्छा पॉइंट मिलेगा कि इसका जो स्पीड है वो मिनी ट्रैक्टर में मोस्टली मैंने देखा है 25 किलोमीटर पर आवर होता है, लेकिन इसमें आपको मैक्सिमम स्पीड जो मिलेगी वो 27.27 किलोमीटर पर आवर मिलेगी। साथ में इसमें जो बड़े ट्रैक्टरों में RPM होते हैं, जैसे हर ट्रैक्टर में 540 RPM होता है जो कि स्टैंडर्ड होता है, बट इसमें आपको 540 PTO के RPM मिलेंगे और 1000 RPM भी मिलेगा। अगर इसके इलेक्ट्रिक मीटर की बात करें तो इलेक्ट्रिक मीटर में आपको सारा चीज़ दिया हुआ है। इसमें आपका देखिए ये वो है, क्या बोलते हैं, हीट बताता है कि ट्रैक्टर गर्म या मतलब फ्यूल के बारे में भी बताता है कि फ्यूल फुल है या कम है। इसके बाद में ये हीटिंग वाला सिस्टम है जो कि ट्रैक्टर को बताता है गर्म, आपका ट्रैक्टर होने के पहले ही इंगेज करता है। ये आपका RPM वगैरह दिया गया है, ये आवर दिया गया है कि कितने घंटे ट्रैक्टर चला हुआ है। तो ये सारा डिजिटल है और इसमें कलर भी जो होता है ना वो रात में इसका कलर थोड़ा सा टच चेंज हो जाता है, आपको डिजिटल दिखेगा पूरा। इसके बाद में आपको प्लेटफॉर्म भी अच्छा दिया हुआ है, आपका जो बैठक है वो कंफर्टेबल ड्राइविंग है। जब आप इसको चलाते हैं तो आपको मतलब जैसे थकान महसूस नहीं होती, आरामदायक ड्राइविंग का आनंद है। और पावर स्टीयरिंग भी दिया गया है इसमें, तो ये बढ़िया है। प्लस इसमें आप सारे इम्प्लीमेंट जो होते हैं मिनी ट्रैक्टर के, कल्टीवेटर होता है, 4.5 फीट का हमारा रोटावेटर आता है, वो भी इस ट्रैक्टर से आप चला सकते हैं। जैसे ये रखा हुआ है ये 3.5 फीट का है, इसमें हमारा 4.5 फीट का रोटावेटर आता है
तो ये हमारा 28 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है और प्लस जो 25 हॉर्स पावर का है वो भी 4.5 फीट का रोटावेटर चलाता है, ठीक है। इसमें कल्टीवेटर आता है, जो 7 टाइम्स का कल्टीवेटर होता है वो इस ट्रैक्टर पर काम करता है। प्लस हमारा प्लाउ होता है रिवर्सिबल प्लाउ 2 बॉटम, तो वो मिनी प्लाउ ही बोलते हैं, वो भी इस ट्रैक्टर से आप काम कर सकते हैं। प्लस हमारा एक सिस्टम स्प्रे का भी होता है, तो स्प्रे में जैसे मान के चलिए आप कॉटन की खेती हुई और मिर्ची हुआ, टोमेटो हुआ, इसके बाद में सोयाबीन हुआ, तो आप एक ये हमारे टायर्स दिए हुए हैं, इन टायर ये ट्रैक्टर ऐसा ही रहेगा, लेकिन आप इसको इस तरीके से फिटेड करके इस सिस्टम में, और आप जो है गेहूं हुआ, सोयाबीन हुआ, उसमें भी आप इसका स्प्रे में यूज कर सकते हैं। प्लस ये जो ट्रैक्टर है इसमें आपका एवरेज भी जो रहेगा ना, वो शानदार एवरेज रहेगा। ये मान के चलिए आप इस पर चलाते हैं तो 1 लीटर के करीब खाएगा, और यदि आप हैवी लोड पर वर्क करते हैं तो आपका 1 लीटर से 2 लीटर के बीच में रहेगा। ये सारी हमारी ट्रैक्टर की इम्प्लीमेंट की रेंज है, जो कि ये आपको हमारी कंपनी कैप्टन ट्रैक्टर खुद ही बनाती है, और ये सारे हमारे जो है हम लोग 17 स्टेट्स में हैं इंडिया में, 55 हमारी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में हैं, इसके बाद में हमको 15 अवार्ड मिले हैं। इस ट्रैक्टर को ना इंडियन ट्रैक्टर ऑफ द ईयर अवार्ड में 21 से 30 हॉर्स पावर की श्रेणी में सबसे बेस्ट ट्रैक्टर का अवार्ड मिला हुआ। अगर इसके टायर की बात करें तो टायर कौन से मिले? टायर में इसमें तो ये जो होता है ये एमपी में निमाड़ एरिया में 36 इंची की डिमांड होती है, ठीक है। तो ये जो चौड़ाई है इसकी 36 इंची है, इसमें 8/18 की टायर है, इसमें 8.20 का भी टायर आपको मिलेगा जो कि 42 इंची में भी आएगा। तो लोग बाकों को अगर जो जिसको डिमांड अगर बड़ा ट्रैक में चाहिए तो 42 इंची वाला भी हमारे पास में अवेलेबल है। तो ये पिछले टायर जो है वो 8/18 के हैं और आगे का जो टायर है वो 5/12 का है ये वाला। और देखिए कि किसान भाई यहाँ पर आपका जो ब्रेक वाला सिस्टम है यहाँ पर बिल्कुल अगर जैसे कि हीटिंग होगा तो यहाँ पर बिल्कुल हाँ ये कवर किया हुआ है जिससे कि हीटिंग आपके ऊपर आएगी नहीं। जैसे जो ड्राइवर चलाता है तो उसके पैरों में जो भी हीट होगी उसको ये बचाव करेगा, आपके पैर पे ये हीट को नहीं आने देगा, टक्टन की गर्म हवा वगैरह जो होती है वो आपको नहीं। साथ में इसमें हमने एक डिफरेंशियल लॉक भी दिया हुआ है, अगर आपका ट्रैक्टर कभी भी जैसे जो कीचड़ वगैरह होता है उसमें पिछले टायर अगर फंस जाते हैं तो ये हम बाया डिफरेंशियल लॉक का यूज करते हैं, तो इससे हमारे ट्रैक्टर का जो स्पीड होता है रियर टायरों का वो एक साथ लगता है और ट्रैक्टर जो है आपका बाहर आ जाता है। वैसे 4-व्हील ड्राइव है, इसमें ज़्यादा ज़रूरत आपको इसकी नहीं पड़ती, पर फिर भी पर हमारी कंपनी ने ये चीज़ दी हुई है। साथ में छोटी छोटी और भी चीज़ें हैं, जैसे ये मोबाइल चार्जर दिया हुआ है विथ स्टैंड के साथ में, तो आप जैसे अगर आपका मोबाइल वगैरह डिस्चार्ज होता हो जाता है खेत में काम करते करते, तो ये बाजार से एक पिन आती है इसमें चार्ज पे लगाकर और ये यहाँ पे आप ऐसे रख सकते हैं। तो यानी कि किसान भाई को इस ट्रैक्टर के अंदर फुल्ली जो अपने जो नई टेक्नोलॉजी वाले फीचर्स वो सभी प्रकार के इस ट्रैक्टर में मिल रहे हैं। साथ में इसका वजन भी जो है ये 910 kg का वेट है, और इससे क्या होता है ट्रैक्टर में जो जब ट्रैक्टर थोड़ा सा वजनदार होता है तो ट्रैक्टर के टायरों में स्लिपेज नहीं आते। पीछे हम कुछ हैवी इम्प्लीमेंट पे भी अगर काम करते हैं तो हमारा ट्रैक्टर स्लिपेज नहीं मारता, उससे क्या होता है ट्रैक्टर के इंजन पे लोड नहीं पड़ता, ट्रैक्टर के टायर जल्दी जाते नहीं हैं, प्लस एवरेज भी अच्छा रहता है इसका। अगर इसकी सर्विस की बात करें तो सर्विस के बारे में भी जानकारी दी जी, जैसे आप ही जानते हैं कि कोई भी अगर हम ट्रैक्टर ले, मोटरसाइकिल ले, किसी भी कोई सा भी ले तो उसको कुछ समय के बाद सर्विस होता है, तो इसके आमतौर पे लोकल मार्केट में सर्विस हो जाएगी? जी जी, देखिए सर, डीलर हैं हमारे, पहली सर्विस इसकी 50 घंटे में होती है। सपोज आप अगर ट्रैक्टर लेते हैं तो आप जो भी नियर बाई पॉइंट आपका डीलर है आपको उसको कॉल करना है, अगर वो आप नहीं आ पाते तो हमारा मैकेनिक आपके यहाँ पे खुद आएगा। पहली सर्विस इसकी 50 घंटे में होगी, दूसरी इसकी 250 में, तीसरी 250 में। इसमें आपको 4 सर्विसिंग जो है उसमें लेबर चार्ज आपका नहीं लगेगा, लेबर चार्ज आपकी फ्री रहेगी, बाकी जो ऑयल फिल्टर वगैरह का जो होता है वो आपका कॉस्ट लगेगा। और किसान भाई को लोन की सुविधा भी हो जाएगी? जी, ये हमारा ट्रैक्टर है, इसमें आपको 1 लाख रुपए के समथिंग मार्जिन मनी जमा करना पड़ेगा, बाकी का फाइनेंस हो जाएगा, और कोटक महिंद्रा बैंक, L&T, इंडसइंड, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन बैंकों से हमारा फाइनेंस भी होता है। तो आप ने किसान भाई को इस ट्रैक्टर के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी। इसमें कलर ऑप्शन भी है हमारे पास में, ये रेड है, ये ब्लैक है, इसमें ब्लू भी आता है और ग्रीन भी आता है। तो आपने किसान भाई को बहुत ही अच्छी जानकारी दी, तो अगर किसान भाई से परचेज करना चाहते हैं
वो आपके पास किसी भी डीलर के पास विजिट करना चाहते हैं और इक्विपमेंट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो एक बार आप वापस किसान भाइयों को बताइए कि ट्रैक्टर के अलावा भी आपके पास कौन कौन से इक्विपमेंट मिलते हैं। देखिए, ट्रैक्टर के अलावा हमारे पास में 50 से भी ज़्यादा मिनी ट्रैक्टर के मैचिंग इम्प्लीमेंट है, ऑनली मिनी ट्रैक्टर का। तो अगर कोई कस्टमर है जैसे जिसको कल्टीवेटर हुआ, रोटावेटर हुआ, टैंकर हुआ, ट्रॉली हुआ, लोजर हुआ, डोजर हुआ और प्लाव हुआ, मतलब स्प्रे पंप हुआ, जो भी चाहिए वो आपको डीलरशिप में, जो हमारा नियर बाय डीलर है अभी हमारे मतलब एमपी में, ये मान के चलिए आपको जैसे भोपाल से आसपास के जो भी डीलर हैं उनको, ये उदयपुरा में है रायसेन ज़िले में और वहाँ पे हमारे डीलर हैं, प्लस खरगोन खंडवा के जो भी कस्टमर हैं उनको खरगोन में सनावद है, कसरावद है, वहाँ पे हमारे डीलर हैं, धार ज़िले में कुक्षी में है और इसके बाद में बड़वानी ज़िले में हमारे अंजड़ में डीलर हैं, और भी हमारे नए डीलर आने वाले टाइम में काफ़ी जगह पर मिल जाएंगे। और अगर कोई भी इंटरेस्टेड है, अगर वो लेना चाह रहा है और डिस्टेंस दूर है, तो भैया हम होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं। किसान भाई, जैसा कि सर ने बताया कि होम डिलीवरी भी हो जाएगी और इन सर के नंबर आपको मिल जाएंगे, तो आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि आपके जो सबसे नज़दीक कौन सा डीलर है, तो आपको नंबर मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आप विजिट करके इस ट्रैक्टर के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं और देख भी सकते हैं, क्यों ना सर? जी, यस यस। तो किसान भाइयों, सर ने इन ट्रैक्टरों के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी, तो इन ट्रैक्टरों में आपको सबसे अच्छा क्या लगा वो कमेंट करें। तो किसान भाई, फिर मिलते हैं एक और ऐसे शानदार और कमाल के वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।